Minister Narendra Modi strongly believes in empowering the women of our country in order to make a stronger, a better new India. In fact, हमारी मोदी सरकार इसकी डायरेक्शन में कई स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट कर चुकी है, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा स्कीम, ओपनिंग ऑफ जनधन अकाउंट्स एंड मच मोर. मेनी वुमेन आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल. एंड द अमेजिंग फैक्ट इज दैट दे आर नॉट ओनली एम्पावरिंग ईच अदर विद दिस, बट दे आर ऑल्सो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट एंड स्किल्स अक्रॉस द कंट्री. तो आज हम इन्हीं मेंबर से जानेंगे इनके सफर के बारे में और कैसे मोदी गवर्नमेंट की स्कीम्स इनकी मदद कर रही है. तो मेरा पहला सवाल होगा उनसे जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं. नमस्ते मैम. नमस्ते. तो मैम, आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए? सर, मैम, हमारे हालात ऐसे थे कि हम घर से बाहर नहीं निकलते थे औरतें, और हम अपने आदमी पे ही डिपेंड रहते थे. जो लाता है वही खाना है, वही पहनना है. लेकिन जब से हम इसमें जुड़े हैं 2014 से, तो हमें बहुत ताकत आई है, बहुत हिम्मत आई है कि हम भी बाहर निकल के बहुत कुछ कर सकते हैं. हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो एक आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, एक नया भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए वो हमारी जो देश की महिलाएँ हैं उनको एम्पावर कर रहे हैं, ताकि हमारा जो देश है, हर एक हमारे देश का जो नागरिक है वो आत्मनिर्भर हो सके. तो आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो इस आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है. तो आप इसमें काफ़ी समय से हैं, तो तब से लेकर अब तक में आप हमें बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या इस सफ़र में अचीव किया है और आपको क्या क्या फ़ायदे मिले हैं? मैम, मुझे तो इतने फायदे हुए हैं जी कि मैं अब अपना घर चला सकती हूँ, अपने आदमी या किसी के भरोसे नहीं रह सकती हूँ, अपने काम बैंक हो या कुछ हो, अपने काम मैं खुद कर सकती हूँ. बाहर निकल के देखा है तो लगा है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लेडीज़ किसी से कम नहीं हैं. पहले हम अपने घर वालों के ही भरोसे थे, और उसके बाद जैसे घर में छोटी मोटी परेशानियाँ आ जाती हैं, अब हम यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी से हम थोड़ा बहुत मतलब उनका भी हाथ बटा देते हैं. और इससे यह है कि मेरे बालक अगर पढ़ना भी चाहें, बच्चे अगर पढ़ना चाहें, तो मैं कि हाँ एडमिशन करवा दूं, उससे मुझे कि हाँ की सैलरी से मैं उनका मतलब पूर्ति कर दूं, मैं पढ़ा सकती हूँ अपने बच्चों को. तो सर, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये जो कैंटीन है या हर ऑल ओवर हरियाणा जो कैंटीन्स है, तो इनकी जो वर्किंग है, बिजली हो गई, जो इनका खर्चा हुआ खाने का, वो सब कैसे मेंटेन हो पा? उसमें जो सारा सेटअप था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में या जो सामान है कैंटीन का, बिजली पानी, सारा गवर्नमेंट की तरफ से आज तक भी इनको फ्री में दिया जा रहा है. इनसे कोई पैसा सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता. हमारी मोदी सरकार जो है उन्होंने जनधन बैंक अकाउंट खुलवाए थे, ताकि हमारे देश के हर नागरिक के पास एक बैंक अकाउंट हो, जिससे वो बहुत आसानी से पैसे भेज सके और अपने अकाउंट में ले भी सके. तो मैम, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? आप भी यूज़ करती हैं वो अकाउंट, तो आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? मैम, पहले जब ये अकाउंट नहीं खुले थे तो हम कभी बैंक भी नहीं जाते थे, लेकिन जब से मोदी जी ने ये अकाउंट खुलवाए हैं तो हर लेडीज़ का अकाउंट बैंक में है, और हर लेडीज़ बैंक में अपने आराम से जा सकती है, अपना काम कर सकती है. मतलब लेडीज़ बैंक तक पहुंच के मैनेजर से भी बात कर सकती हैं, अपना काम खुद करवा सकती हैं. अब किसी आदमी के भरोसे नहीं रहती कि आप चलो अकाउंट करवाओ या कुछ करवाओ, लेकिन अब लेडीज़ अकाउंट है तो अपना सारा काम, लेन देन, अपने जो मैनेजर से काम कराने हैं, पैसे निकलवाने हैं या ट्रांसफ़र करवाने हैं, लेडीज़ खुद करवा लेती हैं. हाँ, इस ये अकाउंट जो मोदी जी ने खुलवाया, इससे हमें बहुत आगे बढ़ने की क्षमता मिली. पहले देखते थे हम लोग कि आदमियों के नाम पर ही प्रॉपर्टी होती थी, औरतों के नाम पर कुछ नहीं होता था. मोदी सरकार ने ये शुरू करा है कि अब से जो प्रॉपर्टी होगी वो औरत के भी नाम पर होगी. तो इस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? मैम, इससे हमें इतना अच्छा लगा कि मोदी जी ने लेडीज़ एक बहुत अच्छी जगह ला कर खड़ी कर दी, कि अब हमें इतना अपने आप पे गर्व होता है कि लेडीज़ किसी से कम नहीं. हाँ, लेडीज़ अब कोई या है राशन कार्ड है या कोई मकान है, लेडीज़ के नाम से होता है. पहले लेडीज़ पति के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब लेडीज़ अपने नाम से जानी जाती है. ग्रुप से जुड़ने के बाद में पैसे निकाल के अपने बच्चों को पढ़ाया. कोरोना के टाइम में भी मतलब मेरी सैलरी से ही घर का गुजारा हुआ. जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो उसमें सबसे ज़रूरी है डिजिटल लिटरेसी. पर यह है कि देश के कोने कोने में ये चीज़ होनी चाहिए. तो आज हम आए हरियाणा के होडल में,
और बात करेंगे यहाँ पर महिलाओं से जिन्हें डिजिटल लिटरेसी दी जा रही है, लोकोस की ऐप्स की हमें वो दी जा रही जानकारी, उसके लिए हमें बहुत सुविधाएं होंगी। हमें आने जाने से किराए वगैरह होता है, वो भी बचेगा, हमारा समय भी बचेगा। जो हम बैंक में जाके परेशानी भुगतते थे, अब हम खुद फ़ोन से कर सकते हैं इन सब कामों को। दीज वेमेन आर नॉट ओनली वर्किंग टूवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स, बट दे आर ऑल्सो एम्पावरिंग ईच अदर, टेकिंग अदर वेमेन अलॉन्ग विद देम ऑन अ जर्नी ऑफ मोटिवेशन, एनकरेजमेंट एंड लीडिंग देयर लाइव्स विद डिग्निटी। आज देश का हर एक नागरिक देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारी मिनिस्ट्रीज माईगव की ऑफिशियल वेबसाइट पर कई एक्टिविटीज़ और कई प्रोग्राम्स रोल आउट करती है। सिंपली लॉग ऑन टू www.mygov.in एंड बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ न्यू इंडिया। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।